आप लोग? तो मैं यहाँ पे बैठी हूँ अपने मम्मी पापा और दर्ज बाबू के साथ, और ये टाइम ना बहुत ही अच्छा लगता है जब सब साथ में हो और आप रिलैक्स होके बात कर रहे हो तो, और मम्मी पापा के साथ बैठने का मज़ा ही कुछ और है। तो मैं वहीं पे बैठी हूँ और दर्ज बाबू पॉपी खा रहे हैं। ये हमने एक फ़ोटो क्लिक की, सब साथ में जब साथ में बैठे हो ना तो एक मेमोरी सी बन जाती है, तो वही मैंने फोटो क्लिक कर लिया। तो दर्ज बाबू यहाँ पे रेडी है पटाखा फोड़ने के लिए। क्या दर्ज बाबू? और नाक में दर्ज बाबू लगा लिए हैं नेल पेंट, क्योंकि मैं लगा रही थी तो दर्ज बाबू को भी लगाना रहता है, तो उसी सिलसिले में दर्ज बाबू के नोज पे लग गया। मुन्ना हाय हाय, और मुन्ना राजा फोड़ने वाले हैं पटाखा। क्या मुन्ना, कौन सा बम फोड़ने वाले हैं? आलू बम। हमको लगा कि बुलेट बम फोड़ने वाले हो। बुलेट तो खत्म हो गया। तो ये लोग मेरे इंतजार में बहुत सारे पटाखा रखा हुआ था क्या? हाँ। जो दीदी आएगी तो दीदी के साथ फोड़ेंगे पटाखा। और दर्ज बाबू तो देख रहे हैं, दिया जल गया है और कैंडल भी जला लिया है मुन्ना, और मिट्टी गई है पटाखा लाने के लिए। देखते हैं कौन कौन सा पटाखा आता है फोड़ने के लिए। और मिट्टी आ गई है छोटा बाबू के साथ फोड़ने के लिए, और प्लास्टिक में ढेर सारा पटाखा। तो देखती हूँ कौन कौन सा पटाखा है। नमन नम, और दर्ज बाबू को चाहिए पटाखा। दिखा रही है क्या क्या रखी है पटाखा मेरे लिए मिट्टी। एक है फुलझड़ी जो कि दर्ज बाबू ले लिए हैं, एक है ये आलू बम। कैसे फोड़ना है हम बताएंगे आपको। कैसे फोड़ना है इसको, आप ऐसे भी फोड़ सकते हैं। ए बाबू गया, बाबू गया इसके पास, कैंडल के पास। ऐसे इसको हाथ से इसको थोड़ा सा निकाल देना है, व्हाइट वाला, उसके बाद फोड़ना है। दर्ज बाबू दे रहे हैं छोटा बाबू के लिए, और ये चिड़चिड़ी है। हैप्पी दिवाली। और ढेर सारा फटाका है, और हम लोग अभी मना रहे हैं हैप्पी दिवाली। दिवाली के बहुत दिन बाद फिर से हैप्पी दिवाली। पापा हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। मुन्ना भैया प्रोसेस बता रहे कैसे फोड़ना है, तो बताइए मुन्ना। इसको हाथ से ये निकाल रहा है आगे वाला पोर्शन को, और उधर कैसे, बाप रे रे लड़का, अरे फूट जाए तो हाथ में फूट जाएगा, फेंको ना। नहीं फूटेगा, फेंको तो। अब वो तो फिस फिस आ जाएगा लड़का, बाप रे। फूटने से रहा नहीं फूटेगा, क्या लग रहा है कि फूटेगा बम? फूट जाएगा आलू बम। फिस फिस आ गया क्योंकि थोड़ा सा जो जमीन है वो ओस गिरने से, ओस गिरा है तो थोड़ा सा ठंडा ठंडा हो गया है। कहाँ फूट रहा है? फूटेगा। आप लोग को क्या लग रहा है फूटेगा? नहीं फूट रहा है। फूट रहा है, फूट रहा है। फूट गया, फूट गया। और ये फूटा, सारे बच्चे दुबक गए। छोटा बाबू तो रोने लगा, और दर्ज बाबू तक देख रहे हैं क्या हो गया। दर्ज बाबू मैंने आपड़ा बकवास हो जाएगा। आ, 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 दर्ज बाबू इधर आइए। लगे से नहीं है रहना। नहीं लग रहा है मुन्ना। मिट्टी फूटेगा, इनसे जलेगा फुलझड़ी? नहीं पता, नहीं पता, मिट्टी को भी नहीं पता। टू सैड। मम्मी जलेगा, मम्मी जलेगा उसमें तो रहेगा, तो ना जलेगा रहेगा तब तो। क्या हुआ मुन्ना?
लास्टली ये मुन्ना से नहीं हो पाया, फिर उसको मम्मी जलाई, क्योंकि आगे वाला पर्सन जिसमें कि आग लगाया जाता है जिससे घड़ी जलती है, तो वो टूट गया था, तो मम्मी डायरेक्ट इसमें मोमबत्ती से लगा दी। बाबू वो पहले तो खुश थे बट अभी सैड हो गए, इतना सारा पटाखा का आवाज देखे, और पापा बोल रहे हैं मम्मी तो इसे हाथ में लेके फोड़ दी फुलझड़ी को, पापा डांट रहे हैं, जो वो फूट भी जाता है कभी कभी फुलझड़ी ना पापा, क्या होता है जैसे फूट जाता है फुलझड़ी फूट भी जाता है, तो उसको हाथ में लेके कदापि ना फोड़े, नीचे में रख के फोड़े, ऐसे मम्मी भी नीचे में ही रख के फोड़ी थी, क्या मम्मी बम कैसे फूटता है दर्श बाबू, अकेले रहता है अपने खाना। तो हम लोग का दिवाली तो हो गया, हैप्पी दिवाली आप सबों को अगेन, जब मन करे तब दिवाली मना लो, होली मना लो, है लव कुश की जोड़ी देख लीजिए, यदि पापा अंश बाबू को ले लिए तो दर्श बाबू छोड़ता नहीं है, फटाफट से पापा के पास चला जाता है, देखिए दोनों लव कुश को। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।